अस्सलाम वालेकुम, यम्मी कुकिंग रेसिपीज़ में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं बनाना सिखाऊंगी हैदराबादी चिकन फ्राई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है लाल के पीसेस ले लिए हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है यहाँ पे, 1 टीस्पून और अदरक का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे दही ले लिया है, थोड़ा सा जो है हमने यहाँ पे जर्दी का रंग ले लिया है, यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून ज़ीरा ले लिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, यहाँ पे हमने जावित्री ले लिया 1/2 टीस्पून, 1 अदद दालचीनी की लकड़ी है हमारे पास, 3 से 4 अदद जो है लौंग है, और छोटी इलायची है 2 से 3 अदद, 1/2 टीस्पून यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/2 टीस्पून पिसी धनिया है, और 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, और नमक लेंगे हसब ज़रूरत। तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे, इसमें पिसी हुई लाल मिर्च है। तो हमने अपने इन गरम मसालों को जो पीस लिया था ये ऐड कर देंगे इसमें, और इसी के साथ हम ये अपने सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। और दही भी ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे हसबे ज़रूरत, और इन्हें जो है हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखा रंग ऐड कर देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे इन्हें। तो इसे हम जो आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे आधे घंटे के लिए जो है मैरिनेट कर लिया था। इसके अंदर 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर हम 1/2 कप जो है पानी भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इनको। इन्हें हम 15 मिनट तक के लिए पका लेंगे कवर करके। तो ये देखिए हमने इसे 15 मिनट तक जो है पका लिया था, ये बिल्कुल जो है रेडी है, सब हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से हैदराबादी चिकन फ्राई जो है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हमने इसके साथ जो है प्याज ले ली है, और यहाँ पे दही का रायता लिया है हमने। ये बहुत ही जो है मज़ेदार रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।